आ जाओगे दोस्तों। और आज जो है टाइम पास करेंगे, और टाइम ऐसा पास करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा, कुछ जानकारी बढ़ेगी आपको। और जैसे कि तुम लोग को जानते हो जो मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हो, मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आज यहाँ पहली बार आ रहे हो, उनको बता दूँ कि नाम है राजन सिंह और जून में 66 यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन 8 महीने जहाँ मैं रहता हूँ वॉशिंगटन स्टेट में, वहाँ लगभग 8 महीने बारिश होती है, और बारिश में जो मेरा चैनल है वो निन्नी करता है, ऐसे करके सो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। और उस समय मैं फिर टाइम पास करता हूँ। और ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है ये भी टाइम पास वीडियो, लेकिन टाइम पास बढ़िया वाला होगा क्योंकि आपको इसमें मज़ा आएगा सुनकर के। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो प्राइमरी से लेकर और हाई स्कूल तक की शिक्षा है, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो चलो आ जाओ फिर जानते हैं। और जो सबसे पहली बात लोग जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर भी क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक होते हैं बजाय सरकारी के। तो यहाँ पर जो है आम जनता जो है वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में या सरकारी स्कूल में भेजती पढ़ने के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो बहुत है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में आपको कि कितनी फीस है। इसलिए जो 90% बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और सरकारी स्कूल जो है उनमें सुविधाएं जो हैं वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। मतलब आप ये समझो कि सरकारी स्कूल में सब बच्चों को स्कूल बस जो है वो लेके जाती है, फ्री है स्कूल बस, और उसके अलावा किताबें कॉपियाँ वो शुरू से लेकर और आपके 12th तक सब बच्चों को फ्री मिलती है स्कूल की तरफ से। तो एक तरीके से एजुकेशन फ्री है यहाँ पर। और हमारे स्कूल, हमारी स्टेट में जो पब्लिक स्कूल हैं, वॉशिंगटन स्टेट में मैं रहता हूँ, वहाँ पर 800 पब्लिक स्कूल हैं और 500 करीब प्राइवेट स्कूल भी हैं यहाँ पर। और जो आम जनता है उसमें से 90% जो बच्चे हैं उनके वो पढ़ने जाते हैं पब्लिक स्कूलों में या सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर लोग ये पूछते हैं कि सर वहाँ पर क्या कोचिंग का सिस्टम है जैसे हमारे यहाँ होता है, क्योंकि मैं जब वहाँ पर था इंडिया में, देखो बड़ा मत मानना, तो मैंने ये देखा था कि लगभग शायद 100% बच्चा स्कूल के बाद कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए जाता ही जाता था। यहाँ पर उस प्रकार का कोई रिवाज नहीं है कि उस तरीके से कोई कोचिंग पढ़ने के लिए जाए। पहली बात तो ये कि स्कूल में ही टीचर जो है वो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं हैगी। लेकिन कोचिंग के लिए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसा होता है कि वेबसाइट्स होती हैं, वही आपका कोचिंग सेंटर है या वही आपके टीचर हैं स्कूल के बाद में, और उन वेबसाइट्स के ऊपर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी मैथ्स की या साइंस की या जो भी प्रैक्टिस करनी है सारी उसी पे कर लेते हो। जैसे मेरे नाती हैं जो वो 5th ग्रेड में पढ़ते हैं, तो वो दो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जो स्कूल ने बता रखी हैं उनको। एक है IEXL नाम है, आप अगर उस पर लिखोगे अपने गूगल सर्च में जाकर तो आपको मिल भी जाएगी, IEXL और खान अकेडमी, ये दो वेबसाइट्स हैं जो स्कूल ने उनको बता रखी है। और स्कूल उन वेबसाइट्स को पैसा देता है और उसके बदले में बच्चों की एक्सेस जो है उन वेबसाइट के ऊपर फ्री होती है। लेकिन अगर आप किसी और वेबसाइट पर जाना चाहते हो, उस पर जाके पढ़ना चाहते हो, तो आपको जो है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, मंथली वो पैसा चार्ज करते हैं आपसे, और सब कुछ वहाँ पर होता है। मतलब मैथ्स का आप एक एक सम जो है आप जब उसमें करते हो, और अगर वो गलत हो जाता है आपका, तो फिर उसका वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि कैसे गलती करी है आपने, क्या गलती करी है, कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जो कोचिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्कूल ही प्रोवाइड कराता है आपको कोचिंग इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट बताता है स्कूल आपको, और आपकी फ्री एक्सेस होती है, आप जाओ वहाँ पर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, और बच्चे उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उसमें। और क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन चल रही क्लासेस, तो क्योंकि ऑनलाइन चल रही क्लासेस इसलिए स्कूल ने हर एक बच्चे को इररेस्पेक्टिव ऑफ के उसके पेरेंट क्या हैं या क्या कमाते हैं या कितनी इनकम है उनकी, स्कूल को इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने हर एक बच्चे को, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबको क्रोमबुक प्रोवाइड कराई है। तो ये क्रोमबुक है ऐसी जो स्कूल ने प्रोवाइड कराई हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को, और इसी के ऊपर ये गूगल की क्रोमबुक है, और इस पे जो स्कूल की जो वेबसाइट है जो स्कूल ने इनको बताई है, इसने मुझे बताया कि स्कूल की जो वेबसाइट है वो है खान एकेडमी, और IEXL जो है वो हमने बाय करी हुई है, उसका हम मंथली पैसा देते हैं, और उसके बाद उस पर अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस करो जितनी जितनी चाहो, जिस क्लास की चाहो आप, मतलब उसमें होता है KG से लेकर और आपके बड़ी ग्रेड तक आप सब सब उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो हमने बाय कर रखी है, तो वही है कोचिंग सेंटर, उसका हम मंथली या ईयरली दे देते हैं पैसा। उस पर अगर आपके दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो
तो डिस्काउंट मिल जाता है, फिर तीन है आपके तो और भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से वो जो कोचिंग है वो घर में हो जाती है। और तो जो ये वेबसाइट है वही है आप टीचर या कोचिंग जो कुछ भी होती है, और वो बहुत ही ईजी टू यूज़ होती हैं। तो ये सिस्टम है। उसके अलावा ये है कि आप सोचो कि क्या प्राइवेट स्कूल जो है वो वहाँ के बच्चे पढ़ो हुए कहीं बहुत ही तोप चला देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, लेकिन ये कुछ लोग भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को। और जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर वो मोस्टली जो है वो क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जरिए संचालित होते हैं मोस्टली। और बाकी जो है वो नॉन डिनोमिनेशनल भी कुछ स्कूल हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है कोई ना कोई वो ही रन करता है, जो बेस्ट स्कूल्स हैं। बेस्ट स्कूल इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा जाते हैं, बाकी और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और मैं पढ़ रहा था तो आप ये सोचो कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें से लगभग 65% जो बच्चे हैं वो इन्हीं पब्लिक स्कूलों से या सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके वहाँ पर जाते हैं। तो इसका मतलब, और बाकी 35% जो है वो जो है प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हुए होते हैं, उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है वहाँ से ली होती है उन्होंने। तो इसलिए ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बच्चे पर निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी अटेंशन पे करता है जब पढ़ता है। इससे फ़र्क पड़ता नहीं कोई, कम से कम यहाँ पर कि आप प्राइवेट में पढ़ते हो या सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। उसके अलावा एक सिस्टम और भी है यहाँ पर, यहाँ पर होम स्कूलिंग भी होती है। बहुत सारे लोग स्कूल नहीं भेजते अपने बच्चों को, तो वो इस होम स्कूलिंग कराते हैं, वो घर पर ही रहता है उनका बच्चा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिनको मान्यता प्राप्त है, वो उनकी वेबसाइट होती है, उन पर पढ़ते हैं, घर पर स्कूल नहीं जाते हैं। और क्यों नहीं भेजते वो लोग स्कूल, मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो घर पर ही पढ़ाते हैं, होम स्कूलिंग करते हैं। और ये भी एक सिस्टम है जो यहाँ पर मान्य है। और जो प्राइवेट स्कूल है, आप अपने यहाँ का सोचते हो कि वहाँ पर इतनी फीस है, यहाँ पर जो है प्राइवेट जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। आप समझ लो कि हमारी स्टेट का, वाशिंगटन स्टेट का जो सबसे सस्ता स्कूल हैगा, प्राइवेट सबसे सस्ता जो स्कूल है, उसकी जो फीस हैगी वो $1,450 है। हाँ, एक महीने की फीस। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितनी महंगी है जो प्राइवेट शिक्षा हैगी। तो यार ये कहानी है यहाँ की स्कूलों की, तो आप इससे अंदाज लगा लो कि जो प्राइवेट पढ़ाई है कितनी ज़्यादा महंगी। तो समझ लो कि जो हमारी स्टेट का जो सस्ता स्कूल है उसमें साल भर की जो फीस है वो ऐसे कोई $16,000 से ज़्यादा होती है साल भर की फीस। और फिर वो है सबकी एक सी, आप पहली पढ़ रहा तो भी फीस वही है, पाँचवीं पढ़ रहा तो भी फीस वही है, आठवीं पढ़ रहा तो भी फीस वही है। और जो सबसे महंगा स्कूल है हमारे स्कूल का, हमारी स्टेट का जो सबसे महंगा स्कूल है उसकी जो फीस है वो ऐसे कोई $42,000 करीब है। 42,000 का मतलब ये हो गया कि अंदाज लगाओ 36, सो $3,000 से कुछ ज़्यादा एक महीने की फीस है। तो ये आप लगा लो, देख लो कि यहाँ पर जो प्राइवेट जो एजुकेशन है वो कितनी महंगी है। इसीलिए जो एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ का वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजना पसंद करता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भेजेगा तो कम से कम आधी तनख्वाह तो उसी में घुस जाएगी उसकी, और बहुत तनख्वाह भी बहुत ऊँची हाई क्लास होनी चाहिए उसकी, तब वो भेज सकता है, सोच सकता है प्राइवेट स्कूल में भेजने की। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आमतौर से पब्लिक स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने के जाते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कि आप कहाँ पढ़ने जाते हो इससे मतलब नहीं है कोई, आप किस तरीके से पढ़ते हो और कितना अपना ध्यान लगाते हो पढ़ने में, कितना अपना मन लगाते हो। और टीचर, यहाँ पर टीचर जो हैं वो मतलब स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल हैं, सॉरी पब्लिक स्कूल जो हैं, टीचर अपनी जान निकाल कर देते हैं एक तरीके से बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ तो ये टीचर स्कूल में पढ़ाता नहीं है, अब बाद में उसके घर पे लाइन लगती है, ये सच्चाई है, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं खुद भुक्त भोगी हूँ इसका। मेरे खुद बच्चे जाया करते थे टीचरों के पास पढ़ने, हार्ट में पढ़ते थे, और उसके बाद में सब शाम को 5 बजे से बैचेस लगते थे, वही बच्चे वही टीचर, क्लास में नहीं पढ़ाता था, घर पे सब लाइन लगती थी, तो बुरी बात है। तो ये सिस्टम है यार यहाँ का एजुकेशन का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल के ऊपर हैं। और क्योंकि मैंने बताया आजकल मौसम की वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं पाता हूँ वीडियो बनाने के, तो इसलिए टाइम पास करता हूँ। और अगर टाइम पास अच्छा लगाओ तो पता है क्या करते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो मैं अगला वीडियो लगाऊँ वो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए,
और जाने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो उस बात को जानता है, जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू।